नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नगला विष्णु संजय मैरिज होम के पास चल रहा है नाला बनाने का कार्य। स्थानीय लोगों ने इस कार्य पर आपत्ति जताई है और कार्य को बंद कराकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि ठेकेदार सही मानकों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तथा यहां पर आवश्यकता से अधिक नाले की चौड़ाई रखी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस नाले में बच्चे भी गिर सकते हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नाले का काम बंद करा दिया। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। गीता यादव नाम है। गीता यादव जी, क्या हुआ यहाँ पे, क्यों धरना दिया जा रहा है? जो काम हो रहा है, जो नाला बनना है, जो नाजाज बनना है, नाले की क्या आपत्ति है आपको? नाले को आपत्ति नहीं है, हमें निकलने के लिए प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों को निकलने में परेशानी है। इतनी चौड़ाई है नहीं है सड़क की, और एक तरफ से ले जा रहे हो, एक तरफ से दोनों तरफ से ले जाना चाहिए। काम तो जायज होना चाहिए, नाजायज करके जा रहे हैं। तो जब ये नाला बन जाएगा तो उसके ऊपर वो लोग पटिया भी तो डलवा देंगे। पटिया डलवाएंगे, ऐसे कैसे मान लें कोई पटिया डल जाएगी? ये अभी नाजायज काम कर रहे हैं तो आगे से हम कैसे मान लें कि जायज काम कर रहे हैं? तो इसके लिए आपने किसी से शिकायत की? शिकायत कर रहे हैं, सब दुनिया निकल के जा रही है, देख नहीं रही है। वो ठेकेदार से हमने कहा, ठेकेदार माना नहीं, ठेकेदार ने वहाँ इतना वैसा कर दिया पतला, और यहाँ पे देखो कितना गहरा है, और एक साइड से लेके चल रहे हैं बिल्कुल। आपके वार्ड के पार्षद हैं, यहाँ की महापौर हैं, उनसे किसी से आपने? वो सुनते नहीं है, उन्होंने मना कर दिया कि हमने यहाँ आ रहे, तुम लोग क्या नाम है आपके वार्ड के पार्षद का? राकेश यादव। राकेश यादव बिल्कुल नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। हम किन से कह सकते हैं? हम तो महापौर भी तो यहाँ पे नूतन राठौर है, उनसे गए ये लोग, हमारे सब जो मेंबर हैं, जो जेंट्स लोग, वो सब गए। अब देखो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, वहाँ पे भी अगर कोई सुनवाई होती है तो फिर ये ऐसा ही थोड़ी पड़ा रहता। मेरा नाम सुनील यादव। क्यों धरना दिया जा रहा है यहाँ पे? धरना इस बात का दिया जा रहा है, जब नाला पहले डल चुका है तो दोबारा क्यों डाला जा रहा है, और डाला जा रहा है तो इतना गहरा क्यों जा रहा है? तो उसका सही समाधान हो के सही जगह नाला डलना चाहिए। नाले के लिए और भी जगह वहाँ डाला जाए। जैसे कि कौन सी जगह? जैसे कि टावर वाली गली है, आगे मीनू मेरियम पड़ता है, वहाँ आके दोताजी वाले नाले में डाल दें। तो इसके लिए आपने यहाँ के पार्षद हैं, महापौर हैं, उन लोगों से किसी से बात की? हाँ, महापौर को जरा लेटर पेटर भेज दिया और नगर आयुक्त के पास भी। आए दिन हमको देखना पड़ रहा है, हमारे बच्चे नहीं गिर जाए, बच्चे हैं, देखो आप देखिए कितने माफूम बच्चे हैं, छोटे छोटे। ये हमारे यहाँ पर क्या नाम जनता काम कर रही है, क्या नाम पब्लिक, इतना वैल्यूबन क्या होगा? मेरा नाम राजबहादुर। राजबहादुर जी, क्यों धरना दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है, पहले तो 70 साल पहले इधर नाला चला था जी, उसमें भी हमने जो रोक लगाई थी वो हमारे ऊपर मुकदमा करे। किस चीज़ के मुकदमा करे? ये नाला मतलब रोकने के लिए नाला क्यों जा रहा है इधर को? अच्छा, हाँ, भाव के बावजूद खूब हमने परेशानी उठाई, कोई सुनाई नहीं हुई, फिर उनने इधर डालना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पे ये बच्चे रहते हैं तो उसमें जाएंगे गिरेंगे, क्या हालत होगी? आपने इसकी शिकायत की किसी से? हाँ जी, शिकायत की किसी से आपने? शिकायत भी की लेकिन कोई सुनाई नहीं। हमने बोलो बहुत टाइम से कहा था, कुछ नहीं हुआ। महापौर जी के पास भी गए, प्रशासन ने ऊपर